अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 का जो है एमसीक्यू शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन के आपको बुक पर निशान लगवाऊंगा। इससे पहले जो है निशान लगवा चुका हूँ, जितने भी चैप्टर जो है पीछे गुजर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का हुस्ने मामलात और माशरत का टॉपिक 1 है, कसम के अहकाम व मसाइल। मैं जो कसम हम उठाते हैं उसके अहकाम व मसाइल जो है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। तो इसकी हम एक्सरसाइज जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले है यमीन का मैनी है, इसका जवाब है अलिफ कसम। किस किस्म कसम पर कफारा है, किस कसम पर कफारा है, इसका जवाब भी अलिफ है यमीन मुनअकदा। फिर है पुख्ता इरादे से खाई जाने वाले कसम के कफारे की एक सूरत है, इसका दाल जवाब है 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। नेक्स्ट है कसम तोड़ने पर रोज़े लाजिम है, तो इसका है 3 रोज़े, बेजवाब। किस कसम से मना किया गया है, अलिफ अबाव अजदाद की। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं। पहला है कसम का मैनी और मफहूम बयान करें, तो इसका जवाब है कसम को कुरान और हदीस में यमीन कहा जाता है, यमीन की जमा ऐमान है। इस्तलाही मफहूम में किसी मुसलमान का अल्लाह ताला का नाम लेकर पुख्ता अजम करना और दूसरे शख्स को यकीन दहानी करवाना यमीन यानी कसम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कसम की इकसाम लिखें, कसम की इकसाम लिखें, इसका जवाब है कसम के जो है इकसाम इसका जवाब जो है आपका शुरू होगा यहां से, जिस कसम का कफारा अदा करना होता है मुस्तकबिल में किसी भी काम करने के हवाले से, मतलब कसम उठाना, इसको यमीन मुनकदा कहते हैं। मतलब आप नंबर 1 लिखेंगे यमीन मुनकदा, फिर वो लिखेंगे मुस्तकबिल में किसी काम के हवाले से कसम उठाना को यमीन मुनकदा कहते हैं और इस कसम का कफारा अदा करना होता है। दूसरी फिर आप हेडिंग देंगे यमीन गमूस, इसका लिखेंगे माजी के किसी वाक्य पर झूठी कसम उठाना यमीन गमूस खिलाता है, उस पर कफारा अदा नहीं करना होता, लेकिन इस्लाम ने इस किस्म कसम को नापसंद किया है, ये गुनाह कबीरा है। और तीसरी कसम है यमीन लगू, तो इसका जवाब हेडिंग देंगे यमीन लगू की, इसका फिर जवाब लिखेंगे रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अपने गुमान के मुताबिक सही कसम उठाना लेकिन वाक्य का इस तरह ना होना यमीन लोगों खिलाता है, इस तरह की कसम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरगुजर फरमाया है। उसके बाद है कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है, तो इसका जवाब जो है ये मतलब थोड़ा सा बुक में तो लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा जो है चेंज करके लिखा हुआ है, तो मैंने ऐसे ही फिर लिख के बता दिया है कि कसम की हिफाजत से मुराद ये है कि पहले तो मतलब अवलन तो कसम उठाई ही ना जाए, और अगर कसम खाई है तो इसकी पासदारी की जाए यानी कसम को ना तोड़ा जाए। अरशाद बारी ताला है और अपनी कसमों की हिफाजत करो, तो ये इसका जवाब है जो मैंने कि आपको ऐसे ही लिख के बता दिया है। उसके बाद है कसम तोड़ने का कफारा तहरीर करें, तो इसका जवाब है कसम का कफारा ये है कि चाहे तो 10 मसकीन को खाना खिला दे, चाहे तो 10 मसकीन को लिबास पहना दे, ऐसे गुलाम या लोंडी आज़ाद करे जो हर किस्म के ऐब से पाक हो, अगर इसे इन 3 अशे में से किसी की ताकत ना हो तो 3 रोजे रख ले। उसके बाद है झूठी कसम के नुकसान तहरीर करें, तो इसका जवाब जो है आपके बुक के इस चैप्टर के एंड वाला जो पैरा है, झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है, और झूठी कसम उठाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत नज़र रहमत ही नहीं फरमाएगा। झूठी कसम या हलफ इनफरादी और इज्तमाही बर्बादी का सबब बनते हैं, हमें इनसे बचने की दुआ और अमली तौर पर कोशिश भी करनी चाहिए। उसके बाद तफसीली सवाल, तो तफसीली सवाल जो है वो है कुरान और सुन्नत की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम और मसाइल बयान करें, तो इसको आप लोगों ने शुरू करना है इस लोगों को यहाँ से कि कुरान मजीद जो है यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है कि कुरान मजीद में कसम के अहकाम यूँ बयान हुए हैं, यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे और अगले पेज पर आप इसको यहाँ पर आके ख़त्म कर देंगे, कसम तोड़ दे और कफारा अदा करे। तो ये आपका एक ही लॉन्ग क्वेश्चन था, शार्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। बाकी जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उनको सॉल्व करके बता चुका हूँ, बुक पर निशान लगवा चुका हूँ, आपको अलग से
की बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।